हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आरके प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां आज हम अफ्रीकन स्लेव ट्रेड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका और यूरोप के लोगों ने मिलकर अफ्रीका के लाखों लोगों को अपने यहाँ पर कई वर्षों तक गुलाम बनाकर व उनसे स्लेवरी करवाई। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिस्टोरियंस का मानना है कि बिटवीन 15th सेंचुरी टू 1870 के बीच अफ्रीका से लगभग 12 मिलियन से भी ज़्यादा मेंस एंड वुमेंस को फोर्सफुली व ज़बरदस्ती बंदी बनाकर व स्लेवरी के लिए अटलांटिक महासागर के रास्ते शिप्स में लोड करके एज अ ह्यूमन कार्गो वेस्ट इंडीज, ब्राज़ील और अमेरिका लाया गया। और ये अटलांटिक स्लेव ट्रेड जर्नी इतनी क्रूरता भरी व कठोर दुख तकलीफों और दर्द से भरी थी कि जिसमें लगभग 2 मिलियन से भी ज़्यादा अफ्रीकन स्लेव पीपल सर्वाइव नहीं कर पाए और उनकी जर्नी में ही भूख, प्यास, बीमारियों तथा शिप क्रू मेंबर्स के द्वारा किए जाने वाले क्रूर व असहनीय अत्याचार व दुर्व्यवहार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इन द 15th सेंचुरीज में यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपनी न्यू कॉलोनीज में काम करने के लिए और खेती व फील्ड्स को कल्टिवेट करने के लिए तथा एक्सपेंसिव लेबर से बचने के लिए अफ्रीका के लोगों को फोर्सफुली स्लेव व गुलाम बनाकर अपने यहाँ लाना और उनसे अपने यहाँ काम करवाना इसे ही एकमात्र स्रोत समझ लिया था। क्योंकि 15th सेंचुरीज में जब दुनिया भर में शुगर केन, तंबाकू, कॉफ़ी और कॉटन जैसी अन्य चीज़ों की डिमांड्स बढ़ने लगी तो यूरोपियन प्लांटर्स ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन जैसे बड़े देशों में बहुत बड़ी और ह्यूज मात्रा में शुगर केन, तंबाकू, कॉफ़ी और कॉटन की बड़ी मात्रा में व फील्ड्स में खेती और प्लांटेशन की शुरुआत की, जिस वजह से यूरोपियंस को उनके फील्ड्स में काम करने तथा लैंड्स को कल्टीवेट व तैयार फसलों को काटने और संभालने के लिए बड़ी मात्रा में लेबर्स की आवश्यकता थी, जिस वजह से यूरोपियंस ने पहले अपने स्थानीय व वहां के मूल निवासियों को फोर्सफुली फील्ड्स में काम करने के लिए मजबूर किया, जो कि काफ़ी नहीं थे। फिर मार्केट्स में बढ़ी कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन, तंबाकू के डिमांड्स और लेबर्स की कमी को पूरा करने के लिए यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपना रुख अफ्रीका की ओर किया और फिर यहाँ से शुरुआत होती है अटलांटिक स्लेव ट्रेड जर्नी की। वैसे तो अफ्रीका में प्राचीन समय से ही स्लेव ट्रेड प्रथा मौजूद थी और एग्जिस्ट करते थे और कई दशकों से यूरोपियन और अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर के रास्ते स्लेव ट्रेड से उनका संबंध था। अफ्रीका में प्राचीन समय से ही अफ्रीका के राजा व मर्चेंट्स द्वारा अफ्रीका के क्रिमिनल्स, टिबेटर्स, प्रिजनर्स व अन्य लोगों को पकड़कर गुलाम व स्लेवरी के लिए यूरोपियन ट्रेडर्स और अरब मर्चेंट्स को बेच दिया जाता था, जिन्हें इंडेचुअर्ड सर्वेंट्स, करारबद्ध गुलाम व यूरोपियन सर्व्स व यूरोपियन गुलाम कहा जाता था, जो जिंदगी भर उनकी गुलामी करते थे। पहले तो अफ्रीका के राजा व वहाँ के मर्चेंट्स अपने यहाँ के क्रिमिनल्स, डिबेटर्स, प्रिजनर्स आदि जैसे लोगों को ही बेचा करते थे और अपनी धन संपत्ति बढ़ाते और अपने शासन को और मजबूत व सशक्त बनाते थे ताकि अपने नेबरिंग एनिमीज किंगडम से बचा जा सके। पर जब वाइट कैप्टन्स लेबर्स की कमी को पूरा करने के लिए अफ्रीका आए तो उन्होंने अफ्रीका के कई राजाओं व मर्चेंट्स को स्लेव पीपल व गुलाम लोगों के लिए यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वेपन्स एंड रम जैसी कई तरह की चीज़ों का लालच व ऑफर दिया। फिर अफ्रीका के किंग्स और वहाँ के मर्चेंट्स के पास सोचने व हेजिटेट होने के लिए रीज़न था। फिर अफ्रीका के अलग अलग राज्यों के किंग्स अपने वॉरियर्स को भेजकर अपने आसपास के नेबरिंग गांवों तथा इलाकों पर हमला व अटैक करके वहाँ के लोगों को स्लेव बनाकर ले आया करते थे और फिर उन्हें यूरोपियंस को बेच दिया करते थे। पर यूरोपियंस की बढ़ती स्लेव्स की मांग को पूरा करने के लिए अफ्रीका के राजाओं और मर्चेंट्स के आगे एक बड़ा कंपटीशन खड़ा हो गया। स्लेवरी अब एक क्रिमिनल सेंटेंस बन चुका था। नेबरिंग किंगडम्स पर अटैक करके वहां के लोगों को फोर्सफुली बंदी बनाकर बेचना वहां के लोगों व किंग्स के लिए लड़ने का एक रीज़न बन गया था तथा अपने आप को स्लेव रेड्स से बचाने और सेफ रखने के लिए नेबरिंग किंगडम्स को यूरोपियन फायर आर्म्स व वेपन्स की ज़रूरत थी, जिसे वह लोगों को बेचने के बाद ही पाते थे। और देखते देखते स्लेव ट्रेड एक आर्म्स और वेपन्स रेस बन चुकी थी। फिर पूरे अफ्रीका अलग अलग राज्यों जैसे घाना, नामीबिया, बोस्वाना, सूडान, केन्या तथा
इथियोपिया के गांवों व स्थानों पर रेड्स या अटैक करके यंग एडल्ट्स मैन एंड वुमेन्स तथा बच्चों को पकड़कर फोर्सफुली उन्हें स्लेव बनाकर हाथ पैरों व गले में जंजीर व चैन बांधकर अफ्रीका के अलग अलग स्थानों से पकड़कर अफ्रीका के नियरेस्ट कोस्टल एरियाज में लाया जाने लगा और यूरोपियंस को बेचा जाने लगा। अफ्रीका के कई राज्यों के लोगों ने कभी वाइट्स पीपल्स को नहीं देखा था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें क्यों पकड़ा जा रहा है और पकड़ कर कहाँ ले जाया जा रहा है, जिस वजह से वहाँ के लोग सोचते थे कि शायद वाइट्स पीपल उन्हें मार कर खा जाएंगे बिकॉज दे वर कैप्चरिंग द पीपल्स एंड रिटर्निंग फॉर मोर। इस डर से अफ्रीका के कई लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया या भूखे रहकर अपनी जान दे दी, ये सोचकर कि मरने के बाद उनकी रूह घर वापस आ जाएगी। यूरोपियन मर्चेंट्स पकड़े हुए लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसा जहाज बनाया या डिज़ाइन किया करते थे जिसमें एक साथ हजारों स्लेव्स को कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्र के रास्ते आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इन जहाज़ों में वेंटिलेशन के लिए एक्स्ट्रा पोर्ट हॉल्स हुआ करते थे और डेक पर वेपन्स और कैनन तोपें माउंट हुआ करते थे ताकि रेबेलियंस विद्रोहियों व अटैकर्स से बचा जा सके, और डेक के नीचे एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव व ह्यूमन कार्गोस को लाया जा सके, क्योंकि यूरोपियंस अफ्रीका के लोगों को एज अ ह्यूमन कार्गो ट्रीट किया करते थे। अफ्रीका के अलग अलग स्थानों से पकड़ कर लाए जाने वाले अफ्रीकी स्लेव्स को बिफोर द शिप बोर्डिंग एट द अफ्रीकन पोर्ट सिटीज पहले फोर्सफुली इन स्लेव्स के कपड़े उतारे व फाड़ दिए जाते थे, फिर उनके कान व बाल काटे जाते थे एज अ प्रूफ ऑफ परचेज, फिर उन्हें शिप पे चढ़ाया जाता था, क्योंकि अफ्रीका से अमेरिका पहुंचने में बाय शिप 6 से 8 हफ्तों का समय लगता था, जहां उन्हें पहले डेक पर बने टेम्परेरी वुडन हाउस व केज में रखा जाता था और शिप के चारों तरफ नेट भी लगे होते थे ताकि यात्रा के दौरान अगर कोई स्लेव शिप पर से भागने या सुसाइड करने के लिए शिप से कूदे तो उसे पकड़ा जा सके, और जब स्लेव पीपल को जहाज में बने डेक के नीचे ले जाया जाता था तो वो लोग अपने आप को एक फुल्ली पैक और स्टफ कंपार्टमेंट में पाते थे जिसकी सीलिंग सर से 4 से 4.5 फुट ऊपर ही होती थी, जहां उन्हें अपनी ज़्यादातर यात्रा बैठकर या लेटकर ही पूरी करनी होती थी, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल था, और डेक कंपार्टमेंट्स में उन्हें एज और जेंडर के हिसाब से रखा जाता था। एडल्ट्स मैंस को हाथ पैरों व गले में जंजीरें बांधकर 2 के ग्रुप में रखा जाता था और महिलाओं को उनके डेजिग्नेटेड कंपार्टमेंट में अनचैन ही रखा जाता था, पर हर कंपार्टमेंट इतना फुल्ली पैक्ड व स्लेव से भरा होता था कि वहां पैर रखने भर की भी जगह नहीं होती थी। वहां ना कोई सैनिटरी फैसिलिटी थी और ना ही कोई साफ सफाई, और इन स्लेव्स को अपनी जगह पे ही यूरिन और टॉयलेट करने के लिए मजबूर व फोर्स किया जाता था। गर्मी और लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से डेक के नीचे बहुत ही हेलिश व नरक के समान वातावरण क्रिएट हो जाता था, जिस वजह से वहाँ डिसैनिटरी मलेरिया, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या इन्फ्लुएंजा जैसी कई खतरनाक बीमारियाँ शिप पे स्लेव्स के बीच फैल जाती थी और उनके लिए कोई कुछ नहीं करता था, जिस वजह से उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाया करती थी। आमतौर पर स्लेव्स 6 से 8 घंटे ही डेक पर बिताते थे, वहाँ पर भी उन्हें जेंडर के हिसाब से सेपरेट चेन्स में बांध कर रखा जाता था। क्रू मेंबर्स और स्लेव्स के बीच डेक पर एक दीवार होती थी जिसे बैरिकाडो रीइंफोर्स्ड वॉल कहा जाता था, ताकि इन केस ऑफ स्लेव विद्रोहियों के अटैक से बचा जा सके। डेक पर उनसे ज़बरदस्ती एक्सरसाइज कराई जाती थी और टिपिकली राइस एंड बीन्स फूड खाना खिलाया जाता था ताकि यात्रा के दौरान स्लेव्स जीवित रह सकें। वहीं क्रू मेंबर्स के एंटरटेनमेंट के लिए महिलाओं व पुरुषों से डांस भी कराया जाता था, और अगर कोई स्लेव क्रू मेंबर्स की बात नहीं मानते या उनके खिलाफ विद्रोह करते तो उन्हें स्पेशल बने कांटों के हंटर व चाबुक से
स्लेब्स के सामने मारा जाता वहाँ पीटा जाता था, या उन्हें तोप के आगे खड़ा करके तोप से उड़ा देना या तोप से उड़ाने की धमकी दी जाती थी ताकि कोई स्लेव उनके खिलाफ विद्रोह ना कर सके। और कई बार शिप्स के क्रू मेंबर्स महिलाओं का रेप किया करते थे तथा उन्हें सेक्सुअली अब्यूज भी किया करते थे। और जो लोग शिप से अटलांटिक ओशन पार करके या सर्वाइव करके अमेरिका व यूरोप पहुंच जाते तो वहां उनके शिप पहुंचने से पहले ही यूरोपियन मर्चेंट्स पहले से लाए गए स्लेव्स को खड़ा रखते थे और नए आए स्लेव से मिलवाते थे ताकि उन्हें वह लोग यह यकीन दिला सके कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है और वे लोग इन्हें मार कर खाएंगे नहीं, सिर्फ ग़ुलाम बनाकर रखेंगे और इनसे काम करवाएंगे। फिर उन स्लेव्स की ज़्यादातर ज़िंदगी घंटों यूरोपियंस के फील्ड्स व अन्य हार्ड वर्क कामों को करते हुए बीतती थी, जहाँ ना उन्हें कोई छुट्टी मिलती थी, ना ही कोई पैसा, ना ही अच्छा खाना, ना ही उनको अपनी मर्जी से कहीं घूमने फिरने की आज़ादी थी या फ्रीडम थी। और ये सिलसिला कई वर्षों तक अमेरिका व अफ्रीका के बीच ऐसे ही चलता रहा। फिर अंत में कई डिकेड्स व 18th सेंचुरीज आते आते अमेरिका व यूरोप में कई ऐसी अप्रिय घटनाएं हुईं और काफ़ी कोशिशों व संघर्ष के बाद इंटरनेशनल स्लेव ट्रेड सन 1807 में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्सों में और ग्रेट ब्रिटेन तथा इंग्लैंड में पूरी तरह से गैरकानूनी हो गया। पर फिर भी कुछ ट्रेडर्स इस लॉ को मानने से इनकार व इग्नोर कर दिया और लगातार लोगों को बंदी बनाकर और उनसे स्लेवरी करवाते रहे। फिर 1865 में US लॉ के द्वारा कुछ कड़े नियम व कानून बनाकर इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई, तब जाके स्लेव ट्रेड अबॉलिश व समाप्त हो पाया और स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते थे तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आज़ाद थे। तो दोस्तों, आज की आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज भरी वीडियोस पाने के लिए साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, इससे मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इसी तरह की आप लोगों के लिए वीडियो नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा जिससे आप कुछ सीख सकें और कुछ जान सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले बिल्कुल ही ऐसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।